एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मेरे मन में दो सवाल हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। गोविंद ने कहा, अवश्य पूछो अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा, मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपका धर्म कौन सा है, और दूसरा सवाल यह है कि आप युधिष्ठर को धर्मराज युधिष्ठर के नाम से क्यों बुलाते हैं। अर्जुन के दोनों सवाल सुनकर श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे पार्थ, समय आने पर मैं इनका जवाब तुमको अवश्य दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 7 दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन रात्रि के समय माधव और पार्थ दोनों अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अर्धरात्रि को श्री कृष्ण ने पार्थ को उठाते हुए कहा, हे पार्थ, उठो और मेरे साथ चलो। अचानक से जब अर्जुन को जगाया गया, वह बड़े भयभीत हो गए। कहने लगे, हे माधव, इस समय युद्ध करना है? श्री कृष्ण ने कहा, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें उन दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो तुमने कुछ समय पूर्व मुझसे पूछे थे। श्री कृष्ण की बात मान अर्जुन तो अब श्री कृष्ण के पीछे चलने लगे। अब दोनों चलते चलते रणभूमि में आ गए, जहाँ पर प्रातः काल को युद्ध किया गया था। जब वह दोनों आगे जा रहे थे, तब अर्जुन का ध्यान अपने से आगे चल रहे युधिष्ठर की ओर गया। वह केशव को बताते हुए कहने लगे, हे केशव, देखो युधिष्ठर हमसे आगे कहीं और जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा, शांत हो जाओ पार्थ, अभी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। अब दोनों युधिष्ठर जी के पीछे जाने लगे। युधिष्ठर जी के हाथ में एक दवाइयों का डब्बा था, एक हाथ में पानी से भरा बर्तन था। वह युद्ध क्षेत्र में आए और युद्ध क्षेत्र में आकर उन सब घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगे जो युद्ध में घायल थे, और कई सैनिकों का वह उपचार भी कर देते थे जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी। इस प्रकार बहुत देर तक अर्जुन और केशव युधिष्ठर का यह कार्य देखते रहे। अर्जुन मन में विचार करने लगा, युधिष्ठर जब किसी सैनिक का इलाज करते हैं तो उससे यह नहीं पूछते कि तुम पांडवों के हो या कौरवों के हो। वह तो सबका इलाज करते जा रहे हैं, चाहे वह कौरव हो चाहे पांडव हो। उनके मन में एक ही भावना रहती थी, मुझे घायल सैनिकों का इलाज करना है, और यही मानवता है। जब बहुत देर तक पार्थ ने युधिष्ठर को इस प्रकार घायल सैनिकों की सेवा करते देखा, तब श्री कृष्ण से कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भैया से मिलकर आऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। तब वह दोनों चलते चलते युधिष्ठर महाराज के पास आए और पूछने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं? उन्हें इस प्रकार अपने पास आया देख युधिष्ठर महाराज अचानक से सकपका गए। वह सोचने लगे, मैं क्या जवाब दूं? वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहने लगे, माधव, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सब पता है, पर मैं यह अर्जुन को बताना चाहता था। युधिष्ठर पूछने लगे, आप अर्जुन को क्या बताना चाहते थे? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठर, कुछ समय पहले अर्जुन ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप युधिष्ठर को धर्मराज क्यों कहते हैं। मैं आज इसको यह जवाब देना चाहता था, जिसके मन में मानव सेवा है, जो सदा दूसरों को अपने समान मानता है, जो अपने और पराये में भेद नहीं मानता है, वह मेरे लिए युधिष्ठर के समान ही पूजनीय है। और युधिष्ठर, तुम्हारे मन की भावना बड़ी पवित्र है। तुम युद्ध स्थल पर आकर सब सैनिकों की सेवा करते हो। तुम्हारे लिए कौरवों के सैनिक और पांडवों के सैनिक समान हैं। तुम्हारे अंदर यह मानवता का विशेष धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें धर्मराज युधिष्ठर के नाम से बुलाता हूँ। और यह गुण तुम्हारा आज से नहीं, प्रारंभिक काल से ही तुम्हारे अंदर पनपा हुआ है। मैं यह बात अर्जुन को सिखाना चाहता था, इसलिए आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलकर अर्जुन को यहाँ लेकर आया कि उसे यह पता चल सके कि धर्मराज की उपाधि क्या होती है, कि धर्मराज का मतलब क्या होता है। वह यह होता है कि वह सबको समान मान सके,
मानवता की सच्ची सेवा कर सके। जो हर इंसान की सेवा करता है वही सच्चा धार्मिक है। और हे अर्जुन, तुमने मुझसे दूसरा सवाल पूछा था कि मेरा धर्म क्या है, तो हे पार्थ, मेरा धर्म भी यह है, जो इंसान सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ सबको समान मानते हुए इंसान की सेवा करता है वही सच्चा धार्मिक है। यही मेरा धर्म है। हे पार्थ, मानव ही मानव की सेवा कर सकता है, मानव ही मानव को बढ़ा सकता है और मानव ही मानव को जीवन दे सकता है। और जो इंसान दूसरे के उत्थान के लिए परिश्रम करता है वह सच्चा धार्मिक है। हे अर्जुन, यही मेरा धर्म है। मैं यही चाहता हूँ, एक इंसान सच्चे हृदय से मानव सेवा करते हुए अपने धर्म का पालन करे। बाकी सब तो संप्रदाय हैं, वह तो आते हैं और चले जाते हैं। दूसरों की सेवा करना यही सनातन धर्म है। दूसरों का मान रखना यही सनातन धर्म है। दूसरों का दिल न दुखाना यही सनातन धर्म है। दूसरों को सुख पहुंचाना यही सनातन धर्म है। हे पार्थ, यही मेरा धर्म है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म का गुप्त रहस्य बता दिया। हमें भी यह समझना चाहिए, मानवता ही हमारा धर्म है और मानवता को ही अपने जीवन में उतार कर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। यही श्री कृष्ण का उपदेश और पावन संदेश था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। विदुर जी इस युद्ध से दुखी हो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कहते हैं 36 वर्षों तक वह तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थ यात्रा समाप्त कर वह वापस हस्तिनापुर लौट आए। जैसे ही हस्तिनापुर लौटे, अब हस्तिनापुर में युधिष्ठर का राज्य है और युधिष्ठर के राज्य में धृतराष्ट्र महाराज एक कक्ष में रहते हैं। विदुर जी उनसे मिलने गए और उनसे मिलकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, कब तक ऐसे जीना है? जीवन में हरदम दुखी रहना है? धृतराष्ट्र कहते हैं, दुखी नहीं हूं, युधिष्ठर बहुत आदर मान करता है मेरा। विदुर जी कहने लगे, अरे दूसरों के घर रहकर जो बिना काम के यही आशा रखता है कि मैं दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हूं, दूसरों के अन्न खाने से अगर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो इस इंसान जैसा, उस व्यक्ति जैसा दुनिया में कोई दुखी इंसान हो ही नहीं सकता। आप मानो चाहे नहीं मानो, आप दुखी हो, तुम अपने मन से आसक्ति निकाल दो। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन सी आसक्ति निकाल दूं? कहा, जो तुम्हारे मन में आसक्ति है ना दूसरों के लिए, कि मुझे दूसरे लोगों के सहारे भोजन मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है, मान मिल जाती है, यह सब व्यक्ति के पराधीन होने के कारण है, आप यहां से निकल चलो। धृतराष्ट्र कहता है कि मैं कैसे निकलूं? युधिष्ठर का इतना प्रेम है, वह मुझे जाने ही नहीं देंगे। कहा, निकलने के लिए, सुखी होने के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, इन इच्छाओं से निकल जाओ। अब धृतराष्ट्र जी तैयार हो गए। कहा, क्या करना पड़ेगा? कहा, दिन को तो भाग नहीं सकेंगे, पर हम आज रात्रि को यहां से निकल जाएंगे। रात्रि का समय हुआ, अपने मोक्ष की इच्छा से, अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए धृतराष्ट्र विदुर के साथ जंगल की ओर चले गए। महाभारत में वर्णन आता है, अर्जुन जी युधिष्ठर के पास आए। अर्जुन ने प्रणाम किया युधिष्ठर को और बड़े जोर जोर से रोने लगे। युधिष्ठर पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रोते हो? कहने लगे, आज मैं शक्तिशाली होने के पश्चात भी बिल्कुल मेरा सामर्थ्य मेरा साथ नहीं दे पाया। युधिष्ठर पूछते हैं, हुआ क्या, बताओ।
कहा, मैं श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिकानाथ गया था। वहां से जब लौटने लगा तो भगवान ने मुझे कहा, अब मेरा यह लीला संवरण का समय आ गया है, तुम क्या करो, द्वारिका की जितनी माताएं बहनें हैं उन्हें अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। मैं हस्तिनापुर के लिए लौट रहा था, है मारक में मुझे भीलों ने लूट लिया। जितनी स्त्रियां मेरे साथ थी, माताएं बहनें मेरी साथ थी, उन सबको वह चुरा कर ले गए। और ऐसा कह जोर से रोने लगा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, तुम कुछ नहीं कर पाए। कहा, मेरा सारा बल व्यर्थ चला गया। जिस गांडीव को मेरे सिवा कोई उठा नहीं सकता था, उसे भी एक भील उठाकर भागने लगा। पर जैसे तैसे मैंने उसे रोककर अपना धनुष वापस ले लिया और जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाने का प्रयास किया, इतने में भीलों ने बहुत सारे तीर मुझे मार दिए। कितना बड़ा बलवान योद्धा जिस अर्जुन ने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया था और उन्हें पराजित किया था, इंद्र के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित किया था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह योद्धा अर्जुन के सामने नतमस्तक हो गए थे, आज वह अर्जुन भीलों से हार गया। रोते हुए कहने लगा, मेरा एक भी तीर किसी भी भील को नहीं लगा। उसकी यह बातें सुनकर युधिष्ठिर जी कहने लगे, फिर क्या हुआ? कहने लगा, जितने लोग बच सके मैं उन लोगों को लेकर आया हूं और एक बात बताना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने धाम में चले गए हैं। उनकी यह बातें सुनकर युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन यह सारी ताकत तुम्हारी नहीं थी। जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ थे हम हर युद्ध में विजयी होते थे, पर समय परिवर्तित हो गया। कभी तुमने भगवान को भी हरा दिया था और आज तुम भीलों के द्वारा हारे जा चुके हो। समय समय पहचानिए, समय बड़ा बलवान, काबे अर्जुन लूटिया वही धनुष वही बाण। अर्जुन रोते हुए कहने लगे, वही तीर वही कमान, पर समय मेरे साथ नहीं था। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हजारों बिच्छुओं के डंक से जितना दुख इस शरीर को प्राप्त हो, उससे अधिक दुख जीव को अंत समय में प्राप्त होता है। एक एक बिच्छू के काटने से कितनी पीड़ा होती है समझिए, उतने 1000 बिच्छू किसी व्यक्ति को एक साथ काट रहे हैं, इतनी पीड़ा अंत समय होती है। पर वह पीड़ा भी समाप्त हो जाती है जब जीव को परमात्मा की जागृति बनी रहे। अंतकाल में ज्ञान लुप्त हो जाता है, शरीर से उसको मोह हो जाता है, इसलिए मरण बिगड़ जाता है। भक्ति से मरण सुधरता है। निरंतर जिसे भक्ति की आदत है उसे ही अंतकाल में परमात्मा याद आएंगे, उसका ही मरण सुधर सकता है। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु ने उल्हाना देते हुए कहा, दादाजी आप कहते हैं मैं शरण में आया हूँ और मैं आपका हूँ, अगर आप मेरे थे तो पांडवों के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? कौरवों ने अन्याय किया, आप तो यह बात जानते थे, उसके बाद भी आप कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध करते रहे। आप मेरे ही थे तो आपने अर्जुन को बाण क्यों मारे? कौरवों में आपकी कोई आसक्ति रही होगी। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों में नहीं, पर मेरी श्री कृष्ण में आसक्ति थी, इसी से मैं कौरव पक्ष में रहा। मैंने ऐसा सोचा, पांडवों के पक्ष में रहकर
कौरों से युद्ध करूंगा, तो अर्जुन के रथ में विराजित पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपके दर्शन के लिए कौरवों का पक्ष चुना, मुझे लगा मैं आपके सामने युद्ध करूंगा तो युद्ध करते करते मुझे आपके दर्शन होते जाएंगे। जब मैं आपको देखूंगा, आपके हाथ में बागडोर है, एक हाथ में चाबुक है, और अर्जुन को आप अपने रथ पर बिठाकर यहां से वहां ले जा रहे हैं, ऐसा दृश्य मुझे कैसे नसीब होता। उस दृश्य की कामना को मन में रखकर, आपकी सच्ची आसक्ति को मन में रखकर, मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करने को तैयार हुआ। आपकी दर्शन की लालसा से ही मैंने कौरवों के पक्ष में रहकर अर्जुन के साथ युद्ध किया। आपने अर्जुन से कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मुझे न भूलना। मैं आपको भूला नहीं हूँ, उस समय में भी मेरे मन में आपकी स्मृति बनी रही। मेरे मन की यही इच्छा थी, मैं जहाँ भी देखूँ मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दें। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जो व्यक्ति अंधे लूले और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है, उन्हें बड़ा कष्ट देता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति अपनी रूपवती कन्या के बड़े होने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं कराता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो इंसान मोहवश होकर आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती अर्थात ब्रह्म हत्यारा मानना चाहिए, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो प्यास से कष्ट पाती हुई गायों को पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो इंसान उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना सोचे समझे दोष अर्पित करता है, उन शास्त्रों का विरोध करता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जिन ब्राह्मणों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर जो मनुष्य उन्हें दान नहीं देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो दुष्ट बुद्धि वाला विद्वान ब्राह्मणों की जीविका छीन लेता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पाप परायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों से व्यर्थ बकवाद करके उन्हें अनाप शनाप कह देता है, ब्राह्मणों का दिल दुखाता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को कुछ ऐसे प्रमाण बताए जिनके द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप जीव को प्राप्त होता है।